सोने की मिट्टी। एक गांव में राम नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ही भला इंसान था। एक दिन राम बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसी समय में उसके घर के सामने से दो व्यक्ति दो बड़े टोकरियों में मिट्टी ले जाते हुए दिखे। उन्हें बुलाया, मुझे थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत है, क्या मैं इस मिट्टी को खरीद सकता हूँ? मुझे इसका दाम बताइए, कहा राम। फिर उन दोनों में एक व्यक्ति मिट्टी देने के लिए विचार कर रहा तो दूसरे व्यक्ति ने बेचने के लिए मानने पर दोनों टोकरियों की मिट्टी को घर में एक जगह रख के वे दोनों राम के दिए हुए पैसे लेकर बाहर आ गए। फिर से दोनों में से एक ने कहा, इस मिट्टी को जमींदार जी ने ले आने के लिए कहा था ना, तुमने इसे बेच दिया, अब जमींदार जी से क्या कहेंगे? तब दूसरे ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, दादी के पास बहुत सारी मिट्टी है, फिर से वापस लौट कर मिट्टी ला के जमींदार जी को दे देंगे, करके बोला। दोनों नदी के पास जाकर मिट्टी लाकर जमींदार जी से मिले और उनके बोलने पर उन मिट्टी के टोकरियों को बंगले में एक जगह रख कर वहाँ से चले गए। दूसरे ही दिन ठीक समय देखकर जमींदार उस कमरे में गए और उन टोकरियों को देखकर परेशान हो गए। ये क्या, अभी भी मिट्टी के जैसा ही है, करके सोचा। दोनों टोकरियों की जांच किया तो सब कुछ जैसे का वैसा ही था। तुरंत साधु को बुलवाया, आपके कहने पर शुभ मुहूर्त है करके नदी से मिट्टी मंगवा कर इस कमरे में रखवाया। इस लाई हुई मिट्टी एक दिन बीतने के बाद सोने में बदल जाएगा, कहा था ना आपने, तो फिर ये मिट्टी ऐसा ही क्यों है, जमींदार ने पूछा। तब साधु ने कहा, नहीं नहीं, तेरी कही हुई बात बिल्कुल सच है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब जमींदार उस पर थोड़ा भी विश्वास ना करने पर साधु चला गया। वहाँ ऐसे चल रहा था तो यहाँ राम मिट्टी रखी हुई कमरे में जाकर देखने पर वह चमकता हुआ दिखा। ये क्या, मिट्टी चमक रही है, बोलकर पास जाकर देखा। अरे ये तो सोना है, भला मिट्टी सोने में कैसे बदल सकता है, सोचते हुए चौंक गया। उस दिन के पूरी रात में वह उसका तो नहीं, उसे क्या करूं करके सोचता रहा। उस सोने को कस झेलने वाले गरीबों में बांटने के लिए जमींदार की मदद लेने का निर्णय किया। राम सुबह ही उठ के सीधे जमींदार के पास जाकर कहा, जमींदार जी मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है बोलो, जमींदार ने कहा। मेरा नाम राम है, मैंने कल दो व्यक्तियों के पास से मिट्टी खरीदा था, बोलते हुए शुरू करके उनके पास आने तक की पूरी बात बताया। यह पूरी बात सुनकर जमींदार ने सोचा, साधु की बात सही हुई, सब कुछ उनके बोलने के मुताबिक ही हुआ, लेकिन मिट्टी इसके पास पहुंचा, करके मन में ही सोच रहा था। मैं इस सोने को पैसे में बदल कर कष्ट में जीने वाले गरीबों में बांटना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, राम ने कहा। राम की भलाई देख जमींदार चौंक गए। अगर ये सोना मेरे पास ही होता तो इतने भले काम के लिए शायद उपयोग नहीं करता, ये तो मुझसे भी महान है, सोचकर उसकी बहुत तारीफ किया। बाद में राम के पूछी हुई मदद जमींदार ने किया। ऐसे राम कष्ट में जी रहे गरीबों में पैसे बांटकर आसपास के गांवों में अच्छा नाम कमाया। जादुई हंस। एक बार एक जंगल में एक छोटी सी नदी हुआ करती थी जिसमें एक हंस रहता था। वो सुनहरे रंग का था। उसके पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वो बीते हुए जन्म की बातें और आगे होने वाली सारी बातें पता चल जाती थी। उसके अलावा उस नदी में और कोई नहीं रहता था। उस जंगल के पास के गांव में एक गरीब औरत रहती थी जो हर रोज जंगल से लकड़ी चुनके ले जाती थी। वो बहुत गरीब, रोज वो उस औरत को देखता और सोचता। एक दिन बहुत प्यास लगने के कारण लकड़ियां चुनने के बाद वो नदी से थोड़ा पानी पीने आई। नदी के किनारे वो हाथ में पानी भर के पीने लगी। उसे पानी पीता देख वो उसके पास आया और उससे कहने लगा,
मैं तुम्हें एक रास की बात बताता हूँ, क्या तुम उस पे विश्वास करोगी? नदी के बीचों बीच एक सुनहरे रंग का बात करने वाला हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुई। वो अब रहस्य जानना चाहती थी। पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पति था, इस जन्म में मुझे हंस का रूप भेजा है। उस औरत को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोचने लगी कि उससे उसका कुछ तो फायदा होगा और वो अपना सारा हाल उसे सुनाने लगी। उसके बीवी और बच्चों को ऐसी हालत में देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपना एक सोने का पंख उसे दे दिया और कहा, तुम रोज यहाँ आना, मैं तुम्हें हर रोज एक सोने का पंख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ रोज आने लगी। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई। अब उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया था और उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसके मन में लालच जाग गया था और वो सोचने लगी कि हंस उसे एक दिन में सिर्फ एक ही पंख देता है और उसे एक साथ सारे पंख चाहिए थे। अगले दिन वो वहाँ गई और हंस से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पंख ले आई। पहले ही वो जादुई हंस था, इसीलिए जैसे ही उसके सारे पंख लेकर वो घर पहुंची, वो सारे राख बन गए और उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो गई और वो फिर से गरीब हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत काम चोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गाँव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाई तरफ एक आम का पेड़ है, उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहां सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूं। वो सोचने लगा और वहां से फौड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया। कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहां से चला जाने के लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस गड्ढे में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस गड्ढे से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस गड्ढे में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ
उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।